आज की मेरी रेसिपी है उपमा की। ये टोमेटो उपमा है, तो ये सूजी से बनता है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी है। आप इसको सुबह के या शाम के नाश्ते में बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने 1/4 कटोरी सूजी ले लिया है, थोड़े से मूँगफली के दाने ले लिए हैं और हरा मटर ले लिया है, ये फ्रोज़न है, और एक टमाटर काट के ले लिया है और एक गाजर काट के ले लिया है, एक प्याज काट के ले लिया है और 2 हरी मिर्ची और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है और ये धनिया। और तड़के के लिए मैंने यहाँ पे उड़द दाल लिया है 1 छोटा चम्मच, राई और चने का दाल और करी पत्ता। तो ये देखिए, इतनी सारी कलरफुल वेजिटेबल्स हैं जो कि उपमा में पड़ती हैं, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। तो अब आइए देखते हैं कि इसको हमको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग पैन को गर्म होने के लिए रख देते हैं, फिर उसमें हमको मूंगफली को ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ पे मूंगफली को ड्राई रोस्ट ही करना है। आप इसको तेल में नहीं तलिएगा क्योंकि हमको इन मूंगफली के छिलकों को हटाना है। तो ये देखिए, ऐसे हल्का सा इसको चलाते चलाते ड्राई रोस्ट कर लीजिए। तो ये लगभग हो गया है और हम लोग इसको अब गैस का फ्लेम ऑफ करके प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, प्लेट में मैंने निकाल लिया है और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको छिलके कैसे अलग करने हैं। तो जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो देखिए, हाथ से ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगी तो इसका ये छिलका अलग आसानी से अलग हो जाता है। तो इसको पहले ठंडा होने के लिए रख के छिलका निकाल के ले लेंगे। और अब उसी पैन में पहले हम लोग सूजी को भून लेंगे। सूजी को हमको बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं चेंज करना है, लाल नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए तब तक भूनना है और इसका कलर ना चेंज हो, लाल नहीं होना चाहिए। तो बस हल्का सा तो चेंज होगा ही भुनने पे। तो ये देखिए, सूजी भुन के तैयार है और सूजी भुनने में बस 2 मिनट ही लगते हैं। तो देखिए, उसी पैन में मैं, क्योंकि ये गर्म है तो मैं पैन में तेल ले लूँगी, और तेल बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पैन गर्म है तो तेल भी गर्म हो जाएगा। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। तो देखिए, करी पत्ता को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें मैं पहले तड़का दे दूँगी और करी पत्ता मैं अभी बाद में डालूँगी। तो देखिए, ये जब हो जाए फिर हमको यहाँ पे हरी मिर्ची डाल देनी है। और जब आप, मैंने यहाँ 2 हरी मिर्ची ली है, आपको तीखा पसंद है तो आप और ले लीजिए। फिर मैं यहाँ पे करी पत्ता डाल दूँगी। करी पत्ता पहले इसलिए नहीं डाला, नहीं तो जल जाएगी। और साथ में ही एक जो मैंने प्याज काट के लिया था वो डाल दूँगी और इसको अच्छे से चला लेते हैं। और अब यहाँ पे मैंने जो वेजिटेबल्स काट के रखे थे वो सब एक एक करके डाल दूँगी। जैसे मैं और सबसे पहले तो मैं इसमें अदरक डालूंगी और अदरक का टेस्ट इस उपमा में मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको इंक्रीज़ कर देता है अदरक। तो आप चाहे तो कद्दूकस करके डाल लीजिए या अदरक का पेस्ट डाल लीजिए। लहसुन नहीं डलता है इसमें, तो आप भी मत डालिएगा। तो देखिए, अदरक मैं कद्दूकस करके ले ली हूँ और पहले इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो देखिए, अब जब ये फ्राई हो गया है तो अब सारे वेजिटेबल्स, सबसे पहले मैंने गाजर डाला है, फिर मैं मटर डालूँगी और फिर टमाटर डाल दूंगी। तो देखिए, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा कलरफुल है, इसीलिए उपमा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब यहाँ पे मैं नमक डाल दूंगी जिससे कि ये थोड़ा जल्दी पक जाए। और साथ ही मैंने यहाँ पे चीनी भी डाला है, तो आप भी डालिएगा पहले, लेकिन थोड़ा सा नमक डाल के पका लीजिएगा फिर चीनी डालिएगा। तो चीनी यहाँ पे जब भी पड़ता है टेस्ट को बैलेंस करने के लिए पड़ता है, इसलिए नहीं डाला जाता है कि ये उपमा या कुछ भी मीठा हो जाए। ये सिर्फ टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे जितना आप नमक लेंगी उतना ही आपको चीनी लेना होता है। तो अब यहाँ पे मैंने यहाँ थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, जिससे कि मेरे उपमा का कलर थोड़ा अच्छा आए। और बाकी इसमें और कुछ नहीं डालना है। और फिर इसमें अब हमको सूजी डाल के अच्छे से मिला लेना है और फिर इसमें हम लोग पानी डालेंगे। तो पानी का ये रेशियो यही होता है कि अगर आपने 1 कटोरी सूजी लिया है तो आपको 3 कटोरी पानी लेना है। तो ये देखिए, जिस कटोरी से मैंने सूजी लिया था उसी से मैं पानी लेके इसमें डाल दूंगी। तो मैं 3 कटोरी से थोड़ा सा कम ही पानी डालूंगी क्योंकि मेरा 1 कटोरी से थोड़ा कम सूजी था।
ये देखिए पानी और सूजी एक साथ अच्छे से आप मिला लीजिए, और जब इसमें बॉयल आए तब तक इसको पकने दीजिए। ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसको ऐसे आप चलाते रहिए, इसका सारा पानी सूख जाएगा, जो रवा है वो इसको अब्सॉर्ब कर लेगा, और इसको पानी सूखने में 3 से 4 मिनट आपको लग जाएंगे। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा पानी सूख गया, अब इसको और सुखाना है, तो आप चलाते रहिए और जिससे कि लगे नहीं। और साथ में यहीं पे हरा धनिया आप जो हमने लिया था काट के वो डाल दीजिए, और फिर हम लोग को जो मूंगफली के दाने हम लोग लिए थे वो डालना है। तो हरा धनिया डाल के पहले थोड़ा सा चला लीजिए। फिर देखिए ये मूंगफली के मैंने छिलके निकाल लिए हैं, तो ये कितने अच्छे दिख रहे हैं, सफ़ेद सफ़ेद। तो बस इसमें हमको डाल के मिला लेना है और फिर थोड़ी देर के लिए भून लेना है। तो वैसे देखिए ये बहुत अच्छे से भून गए हैं, अब लग भी नहीं रहा है कि गीला है। तो बस अब इसको आप थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पैन पे छोड़ के रख दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, फिर आप सर्व करिए। तो ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है, और ये कितने अच्छे दिख रहे हैं टोमेटो उपमा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। बाय बाय।